let it bang, bang. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसवी, स्वागत है आपका जेसी ऑटो जैन में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन होंडा सिटी के बारे में, देखेंगे इसमें क्या क्या नए फीचर्स एड ऑन हुए हैं और क्या क्या इसमें नई खूबियाँ हमें देखने को मिलती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की। तो ये एज बॉडी स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है। इसमें हमें 6 एयरबैग देखने को मिलते हैं, उसके साथ साथ ही लेन वॉच कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा, ABS with EBD, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट और एजाइल हैंडलिंग असिस्ट और इसके साथ साथ ही हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर भी देखने को मिलते हैं। ये सारे फीचर मिलके इसे होंडा सिटी को 5-star ASEN रेटेड कार बनाते हैं, मतलब 5-star रेटेड कार है सेफ्टी के मामले में, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अचीवमेंट है इस प्रीमियम सेडान के लिए, क्योंकि इससे पहले इसमें शायद कोई 5-star रेटेड कार रही नहीं है अभी तक। अब बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शन के बारे में। तो इंजन ऑप्शन में इसमें हमें 2 इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, 1.5 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर का ही डीजल। जो 1.5 लीटर पेट्रोल है उसमें हमें CVT वेरिएंट भी देखने को मिलता है, जबकि डीजल में हमें सिर्फ मैनुअल ही देखने को मिलता है। और बात करें अगर पेट्रोल के पावर की, तो 120 PS पेट्रोल का इंजन पावर बनाता है और वहीं अगर डीजल की बात करें तो 100 PS की पावर बनाता है। अब बात करें इसकी फ्यूल इकोनॉमी की, तो लगभग 18.7 पेट्रोल की माइलेज है और लगभग 24.1 ये डीज़ल की माइलेज है। तो काफ़ी अच्छी माइलेज है, मतलब काफ़ी अच्छे से इसमें सब चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, तो ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फ्रंट से। तो फ्रंट में अगर हम देखें तो इसे काफ़ी बोल्ड डिज़ाइन दिया गया है, काफ़ी चौड़ी इसमें ग्रिल लगाई हुई है आगे, क्रोम ग्रिल, और जो देखने में होंडा की CRV से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तो और बीच में ये देख रखा है होंडा की बैजिंग। और नीचे अगर बात करें तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। जैसे अगर मैं साइड से दिखाऊं तो साइड से अगर आप देख पा रहे हो तो ये इसमें लिप डिज़ाइन दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग है और इसे स्पोर्टियर लुक भी देता है। तो ये इसका ऐसा कुछ लुक है फ्रंट से। अब बात करते हैं इसके हेडलाइट्स की। तो हेडलाइट्स पे होंडा ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है अब, तो इसे 9 एरे LED हेडलैम्प बोला गया है। अब इसमें 9 अलग अलग बेजल्स बनाए हुए हैं, तो इन्हीं सभी बेजल्स में 9 LED और इनके अंदर फिट हैं, जो कि काफ़ी अच्छी लाइट थ्रू करती हैं। हालांकि शुरुआत से ही होंडा सिटी की जो लाइट है वो काफ़ी अच्छी रही है, मतलब रिफ्लेक्टर्स थे जब भी काफ़ी अच्छी रही थी। अब इसमें ये टोटल 9 हैं, तो 9 में से 3 इसमें लो बीम के लिए और 6 इसमें हाई बीम के लिए यूज़ होते हैं। तो ये इसकी कुछ देखने में लाइट है, यहाँ आप देख पा रहे हो, तो ये अभी दिन का टाइम है तो इतने अच्छे से जस्टिस नहीं हो रही होगी, लेकिन यहाँ ऊपर ये पूरा इसमें दिया हुआ है DRL। और अगर बात करें इंडिकेटर की, तो यहाँ इसमें ये इंडिकेटर दे के रखा है, तो काफ़ी अच्छे से इसे डिज़ाइन किया गया है और जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। अगर इन्हें देखें तो ये अभी इसकी लो बीम काम कर रही है, मतलब इसमें 6 LED काम कर रही हैं, और अगर इसे जला के देखें इसकी हाई बीम भी, तो अब इसकी कंप्लीट लाइट जली हुई है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं इसके बिल्कुल सामने बैठा हूँ लेकिन फिर भी ये इतनी आंखों में चुभ नहीं रही है, तो इसे इंजीनियरिंग कहते हैं, मतलब अच्छे से डिज़ाइन की गई। तो बात हो गई है लाइट्स की, तो इसके बाद हम नीचे आते हैं और देखते हैं इसमें फॉग लैंप के बारे में। तो फॉग लैंप इसमें LED प्रोजेक्टर फॉग लैंप दिया हुआ है, और यहाँ इसमें दिया हुआ है अगर गाड़ी कहीं फंसती है तो उसके नीचे हुक लगाने की जगह यहाँ दी गई है, और ये इसका फॉग लैंप जो कि प्रोजेक्टर है और LED लाइट ये थ्रू करता है। अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में एक बार आ जाते हैं देखते हैं। तो इसमें डायमंड कट या मशीन कट कह लो, तो ये अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं, और इसके साथ साथ ही ये 16-inch के व्हील हैं। अब बात करते हैं इसके टायर प्रोफाइल की, तो टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो ये है 185/55R16, मतलब 16-inch के टायर देखने को मिलते हैं। इसे थोड़े और चौड़े हो सकते थे लेकिन फिर भी काफ़ी सफिशेंट है। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में बात करते हैं इसके डायमेंशन की, तो इसके डायमेंशन में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है। इसकी जो लेंथ है वो 109 mm में बढ़ाई गई है, और अगर बात करें वेट की, तो वेट बढ़ाई गई है 53 mm, जो कि इस सेगमेंट में इसे सबसे ज़्यादा
चौड़ी और सबसे ज़्यादा लंबी कार इसे बना देते हैं। जो इसके अंदर पैसेंजर बैठे हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी की तो ये ऐसी इसमें कुछ की है, ये मैनुअल वेरिएंट है। सीवीटी वेरिएंट में एक की एक बटन और एक्स्ट्रा देखने को मिलता है यहाँ, जिससे कि आप इंजन भी स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो। अगर बात हम अभी इसकी बात करते हैं तो इसमें लॉक अनलॉक और नीचे इसमें इसे प्रेस करके हम बूट भी ओपन कर सकते हैं। इसमें एक फीचर और भी अच्छा है कि इसमें आप अगर इसे लॉन्ग प्रेस करके रखोगे, अब जैसे इस गाड़ी के शीशे खुले हुए हैं वो मैं आपको डेमो दे के दिखाऊंगा, अगर इसे लॉन्ग प्रेस करके रखे हो अगर आपके शीशे खुले हैं तो वो अपने आप बंद हो जाएंगे, और अगर इसे लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो इसके सारे शीशे नीचे डाउन हो जाएंगे और सनरूफ भी ओपन हो जाएगा। अब एक बार सबसे पहले ये फीचर ही देख लेते हैं, अब एक बार ये वाला फीचर देखते हैं कि इसे कैसे हम लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। तो अब जैसे इस गाड़ी के सारे शीशे खुले हुए हैं और ये देख लीजिए एक बार इसका ये सनरूफ भी ओपन है, तो अब इसे लॉक करते हैं और देखते हैं इसके शीशे बंद होते हैं कि नहीं। तो ये मैंने लॉन्ग प्रेस किया, अब मैं इसे लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो ये देखिए ये सारे शीशे बंद हो रहे हैं, और ऊपर से आप अगर देख पा रहे हो तो ये सनरूफ भी इसका बंद हो गया। अब ऐसे ही इसे ओपन भी कर सकते हैं, सपोज ये गाड़ी कहीं गर्मी में खड़ी है और मुझे चाहिए कि इसके अंदर मेरे आने से पहले वेंटिलेशन बन जाए, तो मैं ये लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा। ये मैंने लॉन्ग प्रेस किया, ये सारे इसमें ओपन हो गए और यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये सनरूफ भी ओपन हो गया इसमें। तो ये काफ़ी अच्छे वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा फीचर है। और इस की एक और फीचर है जो होंडा ने अभी ईजाद किया है, अगर इस चाबी को लेकर आप थोड़ी दूर जाते हो तो ये ऑटोमेटिक लॉक भी हो जाएगी खुद से, तो आपको ये वरी लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि इसमें मैंने गाड़ी लॉक की है या नहीं की। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। अब बात करते हैं इसके एक्सटीरियर की, तो एक्सटीरियर में बात करें तो यहाँ क्रोम डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ देख के रखा है रिक्वेस्ट सेंसर क्योंकि कीलेस एंट्री भी इसमें अवेलेबल है। और बात करें इस पूरी क्रीज लाइन की, जो आपको यहाँ से ये पूरी क्रीज लाइन जो पीछे तक देखने को मिलती है, तो इसे होंडा ने नाम दिया है कटाना ब्लेड्स, जो कि इसके एरोडायनेमिक्स को बढ़ा देती है और इसकी लुक को भी थोड़ा स्पोर्टियर कर देती है। साइड की अगर बात करें तो इसमें एक चीज़ और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो यहाँ इसमें लेन वॉच कैमरा भी दे के रखा है, जो कि आपको हाईवे पे जब आप ड्राइव कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा व्यू देता है। मतलब जो चीज़ें आपकी यहाँ शीशे में कवर नहीं हो रही हैं वो इसकी आपकी यहाँ लेन वॉच कैमरा आपको कवर करेगा, और इसकी जो भी डिस्प्ले होगी वो आपको इंफोटेनमेंट डिस्प्ले पर देखने को मिलेगी। लेकिन लेन वॉच कैमरा इसमें एक ही साइड देखने को मिलता है, मतलब सिर्फ आपको लेफ़्ट साइड में लेन वॉच कैमरा देखने को मिलेगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको देता है। अब बात करते हैं एक बार इसके बैक साइड से भी, तो बैक साइड में अगर बात करें तो इसमें टेल लैंप्स पे भी इस बार काफ़ी अच्छा काम किया है होंडा ने, तो जी शेप के इसमें रियर टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं, मतलब और ये कॉर्निंग के साथ है, मतलब ये एंड टू एंड आपको यहाँ से यहाँ तक जलता हुआ दिखेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे बाकी गाड़ियों में सिर्फ आपको यहाँ पीछे की तरफ जलता हुआ दिखेगा, ये आपको पूरा जलता हुआ दिखेगा, जिससे कि आपके कॉर्नर पर भी अच्छी विजिबिलिटी रहेगी। ये इसका टेल लैंप की लुक है, अब जैसा कि आप देख पा रहे हो तो ये यहाँ से भी जला और ये यहाँ से पूरा यहाँ तक ग्लो करेगा, अगर कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है आपको तो यहाँ से पूरा ऐसे जलता हुआ ये पूरा ग्लो करेगा, जो देखने में काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ साथ ही यहाँ देख रखे हैं ये ये आपके टेल लैंप्स हैं, इंडिकेटर्स, जो इंडिकेटर्स हैं वो इसमें नॉर्मल हेलोजन है, और यहाँ ये इसकी बैक लाइट। अब बात करें इसके रियर की, तो इसमें चार सेंसर देखने को मिलते हैं, और यहाँ नीचे देखे रखे हैं रिफ्लेक्टर्स, ये है इसका रियर कैमरा, और इसे ओपन करने के लिए एक बटन यहाँ देके रखा है। ये है इसका बूट स्पेस, तो बूट पहले से ही होंडा सिटी में काफ़ी बड़ा आता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा है, और लोडिंग लिप भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मतलब आप आसानी से अपना सामान रख सकते हो, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब एक बार उठा के इसका स्पेयर व्हील भी देख लेते हैं, तो ये इसका स्पेयर व्हील। होंडा ने क्या इस पूरी कैटेगरी में जहाँ सारी कंपनियाँ कॉस्ट कटिंग कर रही हैं वहाँ होंडा ने इस चीज़ में काफ़ी दिलेरी दिखाई है, और यहाँ जो इसका स्पेयर व्हील है वो भी इसमें अलॉय व्हील ही दिया है, तो जो कि देखने में अब आपको अलग नहीं लगेगा, वरना बाकी सारी कंपनियाँ क्या कर रही हैं कि एक इंच छोटा दे रही हैं टायर और वो भी अलॉय व्हील नहीं है। यह है इसकी रियर से लुक, रियर से कम्प्लीट लुक, यहाँ सिटी की बैजिंग,
तो इसके फॉन्ट में थोड़ा चेंज किया गया है। यहाँ ये है आई वी टैक, मतलब पेट्रोल है ये, और ये जेड एक्स वेरियंट है तो ये जेड एक्स की बैजिंग, और यहाँ ये ऐसी इसमें कुछ कंप्लीट लुक आपको ऐसी देखने को। रियर में डिफोगर भी दे के रखा है और ऊपर शार्क फिन एंटीना, और इसके साथ साथ ही अंदर इसमें सनशेड भी है जिसे हम खोल के एक बार दिखाएंगे, और ये है इसका शार्क फिन एंटीना। अब एक बार चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं जो कि एड ऑन्स हुए हैं। ये मेरा रिक्वेस्ट सेंसर। अभी हमने दरवाज़ा खोला तो इसमें दरवाजे में अगर देखें तो इसमें ड्यूअल टोन फिनिश हमें देख रखी है पूरी गाड़ी में ही, ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ जो हैंड रेस्ट है डोर पे ही इसमें लेदर फिनिश दे के रखी है, तो लेदर का यूज़ इसमें किया गया है। अगर बात करें इसके पावर विंडो की तो चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलेंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये चारों ही पावर विंडो आपको ऑटो अप डाउन और साथ में एंटी पिंच के साथ मिलेंगी। और ये है आपके रियर के शीशे लॉक करने के लिए, और ये आपके सारे चारों डोर लॉक और अनलॉक के लिए, ये आपके ORVM के कंट्रोल्स और ORVM को एडजस्ट करने की सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। अगर बात करें इसके इनसाइड डोर हैंडल्स की तो इनसाइड डोर हैंडल्स इसके कम्प्लीटली क्रोम दिए हुए हैं, और यहाँ इसमें दिया हुआ है ट्विटर, और नीचे दिया हुआ स्पीकर, और उसके साथ साथ ही दिया हुआ है बॉटल होल्डर। तो ये सारी चीज़ें थी जो इसके डोर पे है। अब एक बार चलते हैं और देखते हैं इसकी अंदर। अब बात करें अगर बिल्कुल इसके स्टार्टिंग से, तो इसके ड्राइवर साइड पे ही हमें हाइट एडजस्टमेंट का सिस्टम देके रखा, मतलब हम इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, और बूट ओपन करने के लिए आप इस बटन के थ्रू यहाँ से भी इस बूट को ओपन कर सकते हो, ये बटन भी बूट ओपन करने के लिए। अब बात करें इसका फ्यूल लिड की, तो फ्यूल लिड को ओपन करने के लिए कंट्रोल्स यहाँ दे के रखे हैं, और हुड ओपन करने के लिए कंट्रोल्स आपको यहाँ दे के रखे हैं। इसमें पूरी तरह ही लेदर अपहोल्स्ट्री मिलेगी, मतलब लेदर के सीट कवर आपको पहले से ही मिलेंगे। यहाँ इसकी बैजिंग करके रखी है, मतलब ये हो सकता है कि सीट कोई जस्टिफिकेशन के लिए हो। तो ऐसा इसका कुछ स्टेयरिंग आपको देखने को मिलेगा। अगर इसमें बात करें तो ये 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील है, नीचे आपको सिल्वर फिनिश दे के रखी है। लेफ्ट साइड में अगर बात करें तो यहाँ ये वॉल्यूम के बटन है, और यहाँ से आप वॉइस कमांड भी दे सकते हो। अब सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि होंडा ने इसमें अलेक्सा का कंट्रोल भी निकाला है, मतलब आप इसे अब अलेक्सा के साथ भी सिंक करके अपनी गाड़ी के फंक्शन कंट्रोल कर सकते हो, मतलब इंजन स्टार्ट, इंजन स्टॉप, और उसके साथ साथ ही अगर आप चाहते हो कि ट्रैक बदलें, और आप चाहते हो कि टेम्परेचर भी उसके हिसाब से आपके वॉइस कमांड से हो, तो वो सारे फंक्शन आप यहाँ से इसमें कर सकते हो। ये इसमें वॉल्यूम के बटन और ये बाकी सब। यहाँ राइट साइड में बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है, और यहाँ इसमें क्रूज़ फंक्शन भी देखने को मिलता है, और ये है क्रूज़ के सारे बटन्स, और ये हॉर्न पैड है। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने में है कुछ ऐसा, जो कि देखने में अगर बंद है तो आपको लगेगा कि इसमें बस एक मीटर दे के रखा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। एक बार इसे ऑन करके देखते हैं, तो इसमें 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे के रखा है। तो 7 इंच के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें ये एनालॉग और डिजिटल दोनों हैं। इसे एक बार ऑन करते हैं तो ये ऐसा कुछ इसमें देखने को आपको मिलेगा। इसमें जो टैकोमीटर है वो आपको देखने को मिलेगा डिजिटल, और वहीं आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा एनालॉग मिलेगी। इसे हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, तो इसे एक बार चेंज करके देखते हैं कि हम इसमें और क्या क्या फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो ये होम का बटन है, इसे प्रेस करके आप जो ये डिजिटल टैकोमीटर है इसके अंदर आप एंटर कर सकते हो, और बाकी कई सारे फीचर इसमें देख सकते हो। अब मैंने प्रेस किया है तो यहाँ से मैं टैकोमीटर, अगर मैं चाहता हूँ टैकोमीटर ये शो करे तो टैकोमीटर, अगर मैं चाहता हूँ कि ये रेंज एंड फ्यूल शो करे तो ये यहाँ से, बाकी स्पीड, टाइम, जी मीटर और बाकी सारी सेटिंग्स के लिए। बाकी मैं अपनी मर्जी से इसमें कस्टमाइज डिस्प्ले भी कर सकता हूँ। अब कस्टमाइज डिस्प्ले के लिए अब हम इसमें नहीं करके देखेंगे कोई भी ऐसी चेंज, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं इसमें यहाँ आराम से कर सकता हूँ। अब बात कर लेते हैं इसके सेंटर में, तो जो MID जहाँ बाकी कंपनियाँ देखे रखती थी वहाँ इसमें दिया हुआ है ये। यहाँ आपको डिजिटल स्पीड भी देखने को मिलेगी और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ, और ये यहाँ आपको देखने को मिलेगा टाइम। और जो अगर बात करें इसके फ्यूल गेज की, तो फ्यूल गेज आपको देखने को मिलेगा इसमें यहाँ। अब बात कर लेते हैं एक बार इसके सेंटर कंसोल की, तो 8 इंच का इसमें म्यूज़िक सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी पहले से बेहतर है। पहले इसमें DJ pad आता था, लेकिन उससे काफ़ी बेहतर क्वालिटी का ये बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके नीचे एक बार, और तो ये इस दे के रखा है ऑटो AC। अब ऑटो AC हम कहाँ से कर सकते हैं, हम यहाँ से इसे ऑफ या ऑन कर सकते हैं। अब इसमें काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया, जैसे कि ये बटन है, तो ये सारे आपको नॉर्मली गाड़ियों में मैनुअली देखने
मैनुअली ही देखते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आप जैसे जैसे इसे ट्रिगर करोगे तो ये डिजिटली शिफ्ट होते चले जाते हैं। तो इससे ये तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ से आप इसे फ़ैन को ऑन ऑफ कर सकते हो और इसे जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो ये डिजिटली इसमें होगा। पहले क्या होता था कि इसमें डिजिटल पैनल आता था जिसे ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन होंडा ने उसे शॉर्ट करके अब ये काफ़ी अच्छा डायल और ये काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश इसमें दी है। यहाँ से आप एसी, ये आपके बाकी कंट्रोल्स, यहाँ से डिफॉगर फ्रंट और रियर के लिए, ये मैक्स कूल का भी फंक्शन इसमें दिया है। एक और काफ़ी छोटी सी चीज़ इसमें दी है, अगर मैं इसमें टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, जैसे ये है, अभी मैंने इसे बिल्कुल लो पे करके रखा है जैसा कि लो दिख रहा होगा, अब अगर मैं इसे हाई करता हूँ तो इसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब ये वाइट है, अब ये रेड हो गया, अब जैसे जैसे मैं इसे बढ़ाता चलूँगा ये रेड होता चला जाएगा, मतलब इसका भी कलर चेंज होता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें क्या चेंजेस कर रहे हो। अब बात करें इसके नीचे, तो नीचे इसमें दिया हुआ है एक 12 वोल्ट की पावर सप्लाई और ये दिया हुआ है दो यूएसबी पोर्ट ये चार्जिंग के लिए, और ये चार्जिंग के साथ साथ ही आप इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले भी अटैच कर सकते हो। यहाँ इसमें मोबाइल होल्डर, मतलब आप इसमें यहाँ मोबाइल रख सकते हो, और यहाँ ये दो ग्लास होल्डर इसमें देके रखें तो यहाँ आप अपने ग्लास वगैरह रख सकते हो। ये मैनुअल वेरिएंट है तो ये 6 स्पीड के साथ आता है, तो ये इसका गियर नॉब कुछ ऐसा जो कि देखने में काफ़ी अच्छा है, और ये लेदर रैप है, ये भी ये यहाँ से इसमें लेदर की रैपिंग करके रखी है। और अब बात कर लेते हैं पीछे, तो थोड़ा सा स्पेस इसमें यहाँ भी देख रखा है। ये इसका गियर लीवर विद क्रोम टिप, ये है इसका आर्मरेस्ट, आर्मरेस्ट काफ़ी ज़्यादा गहरा नहीं है काफ़ी, पर हाँ काफ़ी यूज़फुल है। तो ऐसा इसका कुछ आउटपुट, एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी क्या कहती है। होंडा ने काफ़ी ज़्यादा लेदर का यूज़ किया है, अब जैसे यहाँ लेदर का यूज़ इसने होंडा में किया गया है, और यहाँ ये वुडन फ्रिज दे के रखी है, और यहाँ इसमें लेदर का यूज़ है, जैसे कि ये जो डोर साइड पे आर्मरेस्ट है और जो सेंटर में आर्मरेस्ट है इस पर भी लेदर का यूज़ हो रखा है। जैसा कि आपने देखा, इसका जो साउंड सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी अच्छी इसमें साउंड है। और अब बात कर लेते हैं बाकी कंट्रोल्स, यहाँ से आप इंडिकेटर और हेडलैम्प्स कंट्रोल कर सकते हैं, और बाकी वाइपर्स के लिए कंट्रोल्स आपको यहाँ दे के रखे हैं। अगर बात करें इसके लेन वॉच कैमरा की, तो लेन वॉच कैमरा के लिए आपको हेडलैम्प का जो लीवर है वहाँ से इसका कंट्रोल मिल सकता है, अगर आप इसे यहाँ से प्रेस करोगे। अब मैंने यहाँ से प्रेस किया है तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये यहाँ इसका लेन वॉच शो होने लगा है। तो आप अगर आप चाहते हो कि इसमें आप कैमरा के थ्रू देखो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। वैसे इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, अब जैसे अब मैं अगर बात करूँ तो मुझे अपनी गाड़ी दिख रही है यहाँ, और ये बनी हुई बैलून शेड, और उसके बाद भी एक पिलर दिख रहा है। लेकिन अगर मैं अपनी सीट से बैठ के बात करूँ, और यहाँ इसे मैं थोड़ा सा जूम मैंने किया तो यहाँ से मैं इतना एरिया कवर नहीं कर पा रहा। अगर मैं बात करता हूँ, इसे थोड़ा एडजस्ट भी कर लेता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मैं इतना एरिया कवर नहीं कर पा रहा। और वहीं अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर कर पा रहा हूँ, तो वाइड एंगल भी व्यू मुझे काफ़ी अच्छा देता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसके ओआर, ये रियर व्यू मिरर की, तो रियर व्यू मिरर इसमें इलेक्ट्रोक्रोमेटिक आता है, तो ये आपको हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ आता है, ये खुद से अपनी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर लेता है। अब बात करते हैं ऊपर की, यहाँ इसमें दे के रखा है एलईडी लैंप, मतलब अगर आप इन्हें प्रेस करोगे तो ये यहाँ से लाइट थ्रो करेंगी, अगर डोर ओपन के लिए आप लाइट ऑन ऑफ करना चाहते हो तो ये फंक्शन है। और इसमें आता है सनरूफ का भी फंक्शन, तो यहाँ से आप एक बार इसे वन टच फंक्शन के साथ इसे सनरूफ को ओपन या क्लोज भी कर सकते हो। एक बार मैं आपको ये करके भी दिखाता हूँ, तो ये मेरा सनरूफ है, तो ये जो नीचे की लिड है ये आपको हाथ से ही ओपन करनी पड़ेगी। इसे मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से एक बार मैं इसे ओपन करूँगा, ये मैंने एक बार प्रेस किया, ये पूरा कम्प्लीटली पीछे तक जाएगा, तो जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। अब मैं इसे एक बार बंद करूँगा तो एक ही बारी में बंद भी हो जाएगा, और इसके बाद फिर मैं इस लेड को ओपन करके अगर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे आगे काम चला सकता हूँ। देखते हैं इसके रियर सीट पे भी, और देखते हैं इसके रियर सीट पे कितना कम्फर्ट है, क्योंकि इसकी लेंथ में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं और इसकी विड्थ में भी।
तो ये सीट मैंने काफ़ी ज़्यादा पीछे कर रखी है, और उसके बाद भी मेरी रेफरेंस के लिए हाइट है 5 फुट 10 इंच, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हो तो काफ़ी अच्छा स्पेस है। और इसके साथ साथ ही जो अंडर थाई सपोर्ट की अगर बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छा है। अब होंडा ने इसमें पहले से ज़्यादा कम्फर्टेबल सीट और मटेरियल यूज़ किया है, तो जो काफ़ी कुशनी है और आपको जो लॉन्ग राइड पे काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट देगा। जैसा कि आप बैठते ही इसमें फील करोगे कि इसमें जो कंफर्ट लेवल है वो पहले वाली जनरेशन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यह है इसका रियर डोर, इसमें नीचे दिया हुआ स्पीकर, उसके साथ साथ ही ये बॉटल होल्डर, यहाँ पावर विंडो कंट्रोल्स, यहाँ भी आपको लेदर की फिनिशिंग मिलेगी तो इस डोर पैड पर भी। और बात करें इसकी तो यहाँ देख रखा है इसमें ट्विटर, रियर में देख रखा है इसमें आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, और यहाँ इसमें देख रखे हैं 3 हेडरेस्ट। ये एडजस्टेबल नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छी हाइट पे इन्होंने माउंट करके रखे हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल है। और यहाँ ये सनशेड इसमें देख रखा है टॉप एंड वेरिएंट में, आप इन्हें अगर यूज़ के अकॉर्डिंग इसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो जैसे कि ऐसे, और इसे वापस लगा भी सकते हो। और यहाँ दी हुई है ये 2 LED लाइट्स। रियर से देखें तो ये ऐसा इसका कुछ डैशबोर्ड है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और लग्जरी फील आपको देता है। इसके साथ साथ ही होंडा ने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इसमें किए हैं, इसमें विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि डोर और जो ORVM है उसके बीच में गैप रखा गया है, जैसे कि ड्राइवर की रोड विजिबिलिटी अच्छी रहे, वो रोड पर ज़्यादा अच्छे से देख पाए, ऐसा ही दोनों तरफ इसमें किया गया है। तो इसके लिए इन्होंने ORVM की पोजीशन को भी चेंज किया, तो काफ़ी सारे चेंजेस इसमें ऐसे हैं जो होंडा ने माइन्यूटली किए हैं, इतने नोटिसेबल नहीं हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें प्रैक्टिकल लाइफ में तो काफ़ी सारे आपको ये यूज़फुल दिखेंगे। अब बात करें अगर इसकी प्राइस की, तो पेट्रोल वेरिएंट में इसका प्राइस है लगभग 15 लाख ऑन रोड, और डीजल में इसका प्राइस है 16,70,000। ये प्राइस पलवल हरियाणा के हैं, और आपको सेल्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो आप पेस होंडा में कांटेक्ट कर सकते हो, और उनकी डिटेल में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।